सभी को नमस्कार। मेरा नाम रोतन है और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं और इसी से संबंधित कुछ और टॉपिक्स पे हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है। एंटरप्रेन्योरशिप का हिंदी में मतलब होता है उद्यमिता, और हम इसे साधारण शब्दों में बिजनेस या व्यवसाय भी कह सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस में एक ऐसे आइडिया पे काम किया जाता है जिसे बाद में एक बड़े बिजनेस में बदल दिया जाता है। अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास एक ऐसा आइडिया है जिससे लोगों के जीवन को बेहतर बनाया जा सके, तो वह व्यक्ति ऐसे आइडिया पे काम कर सकता है और लोगों के जीवन को बेहतर बना सकता है। साथ ही वह इस अपने कार्य के लिए लोगों से कुछ अमाउंट भी चार्ज करता है जिससे उसे प्रॉफिट होता है, और बाद में वह इसी आइडिया को एक बिजनेस में बदल देता है। इसके बहुत से उदाहरण हैं, जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट में अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट में फेसबुक है, ट्विटर है, सर्च इंजन में गूगल है, याहू है, और भी एंटरप्रेन्योरशिप के ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जो लोगों की मदद कर रहे हैं, और इनमें से प्रत्येक ने लोगों के जीवन को किसी न किसी तरह से पहले के मुकाबले में सरल बनाया है। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। अब जान लेते हैं कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है। एंटरप्रेन्योर का मतलब हिंदी में एक उद्यमी या व्यवसायी, जिसे हम बिजनेसमैन भी कहते हैं, हो सकता है। और यदि इसे हम सिंपल लैंग्वेज में बताएं, सिंपल भाषा में बताएं, तो एक ऐसा व्यक्ति जो किसी आइडिया को लेकर एक बिजनेस करता है उसे एंटरप्रेन्योर कहा जा सकता है। एंटरप्रेन्योर के पास एक आइडिया होता है जिसे वह एक बड़े बिजनेस में बदल देता है। वह इससे प्रॉफिट भी कमाता है और लोगों के जीवन को सरल बनाकर उनकी सहायता भी करता है। एंटरप्रेन्योर की खास बात यह होती है कि उसका कार्य करने का तरीका दूसरों से अलग होता है। वह बहुत ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करता बल्कि उसके बजाय स्मार्ट वर्क करता है। एंटरप्रेन्योर के एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो आपने फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग के बारे में सुना होगा। इसके साथ ही माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के फाउंडर बिल गेट्स के बारे में आप जानते हैं, उनको भी हम एक एंटरप्रेन्योर कह सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री के फाउंडर धीरू भाई अंबानी को हम एक एंटरप्रेन्योर कह सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप एंटरप्रेन्योर के बारे में भी जान गए होंगे कि हम एक एंटरप्रेन्योर किसे कह सकते हैं। अब जानते हैं कि एंटरप्रेन्योर के गुण और कार्य क्या क्या हैं, मतलब एक बिजनेसमैन के गुण क्या क्या हैं। तो सबसे पहला गुण है कि एक बिजनेसमैन में या एंटरप्रेन्योर में आत्मविश्वास उसका सबसे बड़ा गुण होता है। एक बिजनेसमैन को अपने ज्ञान और काबिलियत पे भरोसा होता है। वह विपरीत परिस्थितियों में भी अपने भरोसे को बनाए रखता है और इसी से वह सफलता प्राप्त करता है। दूसरा उसका गुण होता है अनुशासन प्रिय। किसी भी बिजनेस में सफलता प्राप्त करने के लिए किसी बिजनेसमैन को अनुशासन प्रिय होना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता अगर वह अनुशासन प्रिय नहीं है और उसे अनुशासन का मार्ग अपनाना ही पड़ता है। तीसरा उसका गुण होता है रचनात्मकता, क्योंकि रचनात्मकता किसी भी बिजनेस में बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। रचनात्मकता हम किसी नई प्रकार की सोच को कह सकते हैं, जो बिजनेस में हम नई सोच लेके आते हैं कि किस कैसे हम अपने बिजनेस को डेवलप करेंगे और कैसे उसको बढ़ाएंगे। तो ये रचनात्मकता किसी एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन में होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा चौथा एक और गुण बिजनेसमैन में होना बहुत ज़रूरी है, जो है जुनून। जुनून भी एक ऐसा गुण है जो एक सफल बिजनेसमैन में होना बहुत ज़रूरी है। जुनून काम के प्रति एक भावना होती है जिसके द्वारा हम कार्य को सफल बनाने का अत्यधिक प्रयत्न करते हैं। तो ये भी एक एंटरप्रेन्योर में होना बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर भी कोई सफल बिजनेसमैन नहीं बन सकता। तो ये थे एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन के कुछ गुण और कार्य जिनके द्वारा एक बिजनेसमैन एक सफल बिजनेसमैन बनता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि उद्यमिता के बारे में या एंटरप्रेन्योर के बारे में कुछ मिथक लोगों के बीच में हैं, जैसे कि उद्यमी व्यक्ति में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो उसमें जन्म से ही होते हैं, ऐसा लोगों का सोचना है, लेकिन ऐसा नहीं है। टाइम और एजुकेशन के द्वारा
भी व्यक्ति सफल हो सकता है और एक सफल बिजनेसमैन या उद्यमी बन सकता है। दूसरा मिथक लोगों के बीच में है, लोग ऐसा सोचते हैं कि उद्यमी या बिजनेसमैन कम पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है, बहुत से लोग और बहुत से बिजनेसमैन बहुत पढ़े लिखे होते हैं। तीसरा मिथक लोगों के बीच में है कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या उद्यम स्टार्ट करने के लिए लोगों के पास या किसी के पास बहुत धनराशि की आवश्यकता होती है, ऐसा लोग सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप एक सफल या अच्छा एक आइडिया लेके लोगों के बीच में जाएं तो उससे भी आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। बहुत ज़्यादा पैसों की भी आवश्यकता नहीं होती अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया है। चौथा मिथक लोगों के बीच में है कि लोग ऐसा सोचते हैं कि इसमें या बिजनेस में या एंटरप्रेन्योरशिप में लोगों को बहुत अधिक रिस्क लेना पड़ता है अपने पैसे के बारे में या अपनी प्रॉपर्टी के बारे में। तो ऐसा भी नहीं है, अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया है तो आप किसी काम को बिना रिस्क के भी कर सकते हैं। तो ये थे कुछ मिथक लोगों के बीच में जो एंटरप्रेन्योर के बारे में है। आप उद्यमिता को कैरियर के रूप में भी ले सकते हैं, मतलब नौकरी के पीछे भागने की बजाय हम अपना छोटा या बड़ा कोई व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। और सरकार भी उद्यमिता के बारे में काफ़ी योजनाएं बना रही हैं और काफ़ी प्रोत्साहित भी उद्यमिता को कर रही है, व्यवसाय को कर रही है। तो अगर किसी व्यक्ति के पास कुछ ऐसा नया विचार है तो अपना बिजनेस या व्यवसाय शुरू कर सकता है और अपने व्यवसाय में सफल हो सकता है। तो थैंक यू, ये कुछ टॉपिक थे एंटरप्रेन्योर के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है और एंटरप्रेन्योर हम किसे कहते हैं आदि। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और अगर आप पहली बार मेरे YouTube चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक यू, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।